भारत में घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन हो गया है। सोमवार को टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जहां कई दमदार मैच देखने को मिले। ऐसा ही एक दमदार मुकाबला आंध्रा और गोवा के बीच रांची में खेला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में खिलाड़ियों का बल्ला जमकर बोला। दोनों टीमों ने मिलाकर 433 रन बनाए। जहां एक तरफ गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। अर्जुन तेंदुलकर ने अंतिम ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। 233 रनों का पीछा करते हुए आंध्रा का स्कोर एक वक्त 191 रन पर 4 विकेट था और रिकी भुई मैदान पर थे, जो अच्छे टच में थे। लेकिन 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर ने रिकी भुई को आउट कर दिया और मैच को गोवा की तरफ मोड़ दिया। फिर 19वें ओवर में अर्जुन ने दूसरी और तीसरी गेंद पर विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई। आंध्रा की टीम 151 रनों पर 4 विकेट से 201 रनों पर ऑल आउट हो गई। अर्जुन ने अपनी स्पेल के अंतिम 4 गेंद पर 3 विकेट लिए। हालांकि अर्जुन ने 3.3 ओवर में 46 रन दिए, लेकिन सही समय पर विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई।